हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के लेटेस्ट लॉन्च्ड फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी F52 5G की। ये फ़ोन सैमसंग ने चाइना में लॉन्च कर दिया है। आइए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो इसमें लगा है 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। नॉर्मली सैमसंग के फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले लगा होता है और सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले के लिए ही जाना जाता है, बट इस बार सैमसंग ने इस फ़ोन में TFT डिस्प्ले का यूज़ किया है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इस फ़ोन में होगी 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज। ये फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 पर रन करेगा। बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। इसमें लगा है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। इस फ़ोन में लगा है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। ये फ़ोन आएगा 4500 mAh की बैटरी के साथ, जो कि 25 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, ये फ़ोन 22000 के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इस प्राइस रेंज में बहुत से 5G फ़ोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप 22000 की प्राइस रेंज में एक TFT डिस्प्ले वाला फ़ोन लेना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, बस फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।